राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है सुबह का समय 6 बजा है और मुझे दौड़ने जाना था, बट बेबो भी जग गई है। अब देखो बेबो भी जाने के लिए कैसे रेडी है। इसको है कि मुझे भी जाना है दौड़ने के लिए। गाइस तो कोई भी अभी तक जगा नहीं और बेबो जग के पहले ही रेडी है। तो बेबो जग के क्या है, मंकी चारों तरफ है। हाँ, मंकी चारों तरफ है। चले 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 काट चलो। वेट करो, मैं पहना देती हूँ। उधर भी क्या? अच्छा, आपको घर जाना है। मंकी का हमला हो गया है और हम लोग वापस जा रहे हैं, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेबू मम्मा के साथ ही जाना, नहीं तो बहुत सारा मंकी है। घड़ा हुआ मंकी, रुक जाओ, वेट करो। वो फ्लावर टूट रहा है। हाँ। पीछे से भी आ रहा है सा। देखो, देखो इधर आ रहा है तरफ। गाइस बेबू बेबू गाइस, इधर भी भरा हुआ है मंकी, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो हम लोग दोनों तरफ से घिरे हुए हैं मंकी से। तो अभी बीच में वेट कर रहे हैं कि जैसे ही निकलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये देखो कर्टन्स वाला नहीं है क्या आपके पास? हाँ, अच्छा अच्छा छोटा वाला। इतना ज़्यादा गाइस, इतना ज़्यादा दौड़ने के बाद बेबू को लग गई है प्यास, तो मुझे लौट कर आना पड़ा क्योंकि अभी बेबू को पीना है पानी। बेबू आपको प्यास लगी है ना? हाँ, तो बेबू बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है, तो हम लोग चल करके पहले पानी पियेंगे। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो इसको जो है इसका छोटा सा पार्ट इसे चाहिए होता है। देखो इसके हाथ में है। तो अभी अभी मैं इसका फेवरेट भिंडी बना रही हूँ क्योंकि इसे भिंडी बहुत पसंद है। और ये साथ में रोस्ट कर रही हूँ इसको, बादाम को, जो ये थोड़ा बहुत खाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इस थोड़ा कर देती हूँ। अब इससे ज़्यादा क्यों ले रहे हो? आ गई है स्कूल जाने के लिए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो चलो। चलो जल्दी, नहीं चलो ना, चलो। यही सुनना था आपको, हैं? ये सुनना था सफाई वाले अंकल से, हैं? चलो। क्या है ना कि बेबू को जो है सफाई वाला अंकल, जब भी ये जाती ना स्कूल, तो इसको बोलते हैं कि पापा की पड़ी कहाँ चली। तो इसे वो चीज़ें शायद अब पसंद आने लगी है, तो वो वेट करती है। जब तक ना बोले तब तक वो वहाँ से निकलती नहीं है।
गाइज बेबू को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपना टाइम बिताने के लिए, क्योंकि बेबू के साथ मतलब जब भी हम लोग साथ रहते हैं तो बेबू आकर के कुछ ना कुछ करते रहती है। इसलिए जब भी बेबू स्कूल जाते हैं और हम लोग फ्री रहते हैं तो हम लोग चले जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। तो ये देखो कचरे वाले ने क्या किया, स्कूटी के बीचों बीच में कचरा छोड़ चला गया। ये लो लगा लो। फिर से हम लोग आ गए अस्सी घाट। यहाँ पर आकर के बैठ करके नदी को देखना ना अलग ही मजा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार आ जाते हैं। कुछ नहीं गाइस, हम यहीं पे आने का है और कहीं है नहीं। और कोई है नहीं जगह, है तो सब पूरा घाट ही है और ये घाट इतना अच्छा स्पेस है तो यहीं पे आ जाते हैं। तो गाइस आकर के हम लोग फिर हमेशा के भांति यहाँ पे बैठ गए हैं। और बोलो, कुछ बोलना चाहोगे? मेरे बाल ठीक नहीं। ठीक कर लो बाल को। देखो मिट्टी कट रहा है। हम लोग डेट पे आए हैं गंगा किनारे। ये हमारा डेट तभी चलता है जब बेबू स्कूल जाती है। कहती है बेबू की यम्मी खाना खाने के लिए तुम लोग छोड़ के चले जाते हो। खाना खाती है। तो हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे पैदा हुई थी इनका, ये लक्ष्मी बाई जो है वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। हम अभी वहाँ पे आए हैं। हम लोग को चप्पल यहीं पे निकालना था तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये देखो जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, सिंहासन है लूटे राजवंशों ने, मुकुटी तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सनसन तावन में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुखर मुरब हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुवानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुरब हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। बचपन में था हम लोग के बुक में, सिक्स या सेवन के बुक में था। हाँ, ये देखो काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृतांत यहाँ पे है। ये अहिल्याबाई होलकर तो मराठी थी ना। हाँ, काशी में मराठा में रहता है। उस तरफ ये है ना, स्कूल है ना उस तरफ। आवाज आ रहा है तो सिर्फ। हाँ, ठीक है।
पता नहीं, पीछे तो ऐसे करके कुछ गाइस तो यहाँ पे तुलसी का पत्ता एकदम भरा हुआ है, जस्ट इनके नीचे बहुत सारा है। ये देखो, बेबू आती तो उसको बहुत अच्छा लगता, बट हम लोग आ गए उसको स्कूल छोड़ के थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे आने के बाद लगा कि नहीं उसको भी होना चाहिए था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर फ्री रहेंगे कभी तो उसको लेके आएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग वापस जा रहे हैं, देखो जिस तरह से वो मतलब पहले की पुरानी बिल्डिंग है, अलग ही है ना, बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये सब। ये है बनारस की गलियां, छोटी सी जिसपे गाना भी आता है। कैसे है? 40 का किलो, 1 किलो दे दीजिए। तो बेबू स्कूल से आ गई है वापस और इसे मिले हैं ये देखो इतने सारे गिफ्ट। किसका बर्थडे था जो आपको मिला ये? बस उसका बर्थडे था। किसका बर्थडे था? उसका किसका? नाम बताओ ना। आम पम का। तो बेबू देखो किस तरह से छुपी हुई है, ये कौन सा गेम खेल रही है, देखो कैसे कैसे छुप रही है, हटो निकलो, देखो ये ऐसे कौन गेम खेलता है, पूरा निकलो बाहर, वहां निकलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।